नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड डिवीजन का एक दूसरा मेथड सीखेंगे। उसके लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प ले रही हैं। एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो 11th एग्जांपल में हम जो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं वो क्या है, पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करिए। इन अंडर रूट सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन स्क्वायर। एक्चुअल में क्या होते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन, ये हमारे पास मीन होते हैं, यानी कि मीन का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम 11th एग्जांपल में अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक्स आई टर्म्स है, एफ आई वैल्यूज है, ये वैल्यू है 3, 8, 13, 18, 23। एफ आई वैल्यूज आर 7, 10, 15, 10 और 6। तो यहां हमें क्या क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो उसके लिए हम कॉलम बनाएंगे एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स है, इनकी मल्टीप्लीकेशन 3 × 7 = 21, 8 × 10 = 80, 13 × 15 ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 195, देन 180 एंड 138। तो इनका जो एडिशन है वो हमारे पास आ रहा है 614 और सभी फ्रीक्वेंसियों का जो जोड़ है वो हमारे पास है 48। नेक्स्ट कॉलम है एफ आई एक्स आई स्क्वायर। चाहे तो आप एक्स आई स्क्वायर कर लें पहले, फिर एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या हम ये भी कर सकते हैं कि जो एफ आई इंटू एक्स आई है इसी कॉलम को हम एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये जो दो कॉलम्स हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। तो 3 × 21 ये आएगा 63, 80 × 8 = 640। इसी प्रकार जब 195 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 2535। इसी प्रकार नेक्स्ट वैल्यू है 3240, 3174 और इनका एडिशन हमारे पास आ रहा है 9625। अब हमें क्या करना है कि जो स्टैंडर्ड डिवीजन का हमने फॉर्मूला लिखा है इसके अंदर हमने वैल्यूज को फिलअप करना है इन अंडर रूट सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास जो वैल्यू है इसकी इक्वल होगी 9625 डिवाइड बाय एन। एन हमारे पास कितना है 48, तो डिवीजन में हमारे पास 48 है माइनस इन ब्रैकेट हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है 614, डिवीजन में हमारे पास क्या है 48, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर सारी क्या बन रही है, जब आप एलसीएम लेते हैं तो डिवीजन में हमारे पास 48 का स्क्वायर बनेगा, यहां पे आएंगे 48 × 9625 माइनस 614 स्क्वायर। तो ये टर्म जब हम खोल लेते हैं तो ये कैलकुलेशन हमारे पास सारी टोटल 293.77 डिवीजन में 48 मींस इनका। इसके बाद हमें अंडर रूट भी सॉल्व करना है, 48 का स्क्वायर है ऊपर अंडर रूट भी है तो उसकी वैल्यू आएगी 48 और ये सारी टर्म जब सॉल्व करेंगे और उसका अंडर रूट वैल्यू आएगी हमारे पास 293.77 और इसको भी जब हम 48 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 6.25 एंड दैट इज अ अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है? तो आपने देखा कि जो स्टैंडर्ड डिवीजन का जो हमने सेकंड फॉर्मूला लगाया है सिग्मा एफ आई एक्स स्क्वायर डिवीजन में एन माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड में एन ऊपर क्या है स्क्वायर, यानी कि मीन का स्क्वायर है। तो उसके लिए हमने सिर्फ दो कॉलम बनाने हैं एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। तो एफ आई एक्स आई के लिए हमने इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया, एफ आई एक्स आई स्क्वायर के लिए हमने एफ आई एक्स आई को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। तो ये वैल्यूज ये सबकी एडिशन हमने कैलकुलेट की और हमें ये सिग्मा एफ आई एक्स स्क्वायर वैल्यू और
सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये सारी वैल्यूज हमने इसमें डाल के क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद है हमारा शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे भी आसान एक मेथड और है शॉर्टकट मेथड, क्यों? क्योंकि हमारे पास कई बार ये जो कैलकुलेशन है एफ आई इंटू एक्स आई ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये कॉलम यानी कि एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, जहां हमारे पास टर्म्स बड़ी होती हैं वहां हम यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या है कि जहां पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था ऊपर, इन्हीं में हम थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे। शॉर्टकट मेथड में एस जी का फॉर्मूला रहेगा हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय एन स्क्वायर इंटू एच, मतलब अंडर रूट के बाद हमारे पास इंटू में एच है। अब यहां पे यू आई क्या होंगी? यू आई हमारे पास डेविएशन की तरह है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच, यानी कि जो हमें डेविएशन लेनी है एक्स आई माइनस ए करके उनको हमें एच के साथ डिवाइड करना है, लेकिन ए की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द एज्यूम्ड मीन फ्रॉम द एक्स आई वैल्यूज, यानी कि एक्स आई वैल्यू में से हम कोई एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे इक्वल टू ए लेंगे और ये हम डिफरेंस लेते जाएंगे हर वैल्यू का तो वो डेविएशन होंगे। डेविएशन को जब हम एच के साथ डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास यू आई वैल्यू होती है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? एच क्या है? ये हमारे पास क्लास इंटरवल की हाइट होती है। तो इस तरह से हम यू आई को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारा क्या है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड के लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 12, कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इन द 12th एग्जांपल क्लास इंटरवल इज गिवन 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। हमारे पास एफ आई वैल्यूज क्या है? 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2। तो यहां पर सबसे पहले हम एक्स आई कैलकुलेट करेंगे। एक्स आई वैल्यूज क्या होती है? दीज आर द क्लास मार्क्स। तो 30 और 40 के बीच में हमारी क्लास मार्क क्या होगी? 35। नेक्स्ट 45, 55, 65, 75, 85, 95। क्लास मार्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हम 30 और 40 को ऐड करेंगे तो वो वैल्यू 70 बनेगी। 70 का हाफ 35, यानी कि जो एक्स आई वैल्यूज हैं उसके लिए हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 2 से। इसके बाद हमारी वैल्यूज आएंगी। अगर हमने मीन कैलकुलेट करना है तो एफ आई एक्स आई मेथड भी लगा सकते हैं, अदरवाइज हम यू आई लगाएंगे। यू आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच। तो यहां पर हम एज्यूम करेंगे अपनी तरफ से कोई भी एक्स आई वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू हम अपनी तरफ से ए मान लेते हैं। अब 65 को जब हम सभी टर्म्स में से माइनस करेंगे तो उसको डिवाइड भी करना है हमें एच के साथ। एच की वैल्यू क्या है यहां पर? इक्वल टू 10। क्लास इंटरवल्स के बीच में जो हमारा गैप है हर टर्म में आप देखेंगे वो कितना है? 10 का गैप है। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो उसके बाद हमारा कॉलम बनेगा एफ आई यू आई। तो एफ आई इंटू यू आई, ये हमारा एफ आई कॉलम और ये हमारा यू आई कॉलम है। तो फर्स्ट टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें -9, -14, -12, 0, 8, 6, 6। देखिए हमने कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किए। फर्स्ट टर्म ये हमारे पास आई, देन 7 into -2, -14, 12 into -1, -12, 15 into 0, 0, 8 into 1, 8, 3 into 2, 6, 2 into 3 = 6। तो ये हमारा पहला कॉलम
हो चुका है। नेक्स्ट कॉलम है हमारा एफ आई यू आई स्केल, यानी कि एफ आई यू आई को जब हम यू आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यू आई स्केल बन जाएंगे साथ में। तो -3 × -9 दैट विल बी इक्वल टू 27, देन 28, 12, 0, 8, 12, 18। अब हम क्या लेंगे, ये दो जो कॉलम्स हैं इनका एडिशन लेंगे साथ में एफ आई टर्म्स का एडिशन। तो एफ आई टर्म्स का एडिशन हमारे पास 50 है और एफ आई यू आई कॉलम में एडिशन हमारे पास आ रहा है -15 और यहां पे इनका एडिशन है 105। इसके बाद हम फॉर्मूला लगा रहे हैं मीन के लिए। सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई एन इंटू एच, क्योंकि हमने शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया है तो जिसमें जो हमारा ए है वो क्या है, दैट इज 65 प्लस एफ आई यू आई, एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है -15 डिवाइड बाय एन, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 इंटू में एच। एच हमारे पास है जब सभी इंटर क्लास इंटरवल्स के बीच में गैप हमारा 10 का है, तो ये हमारी वैल्यूज कैंसिल हो रही है। तो 65 - 3 दैट इज इक्वल टू 62, तो ये हमारी मीन है। इसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेरियंस। वेरियंस इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई स्केयर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय एन स्केयर, पूरी ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे एच स्केयर के साथ, यहां एच स्केयर है। तो सिग्मा एफ आई यू आई स्केयर ये वैल्यू हमारे पास कितनी थी 105, डिवीजन में हमारे पास क्या है एन, एन की वैल्यू कितनी है 50 माइनस एफ आई यू आई, तो यू आई एफ आई यू आई -15 है, डिवीजन में 50 इसके ऊपर स्केयर है, मल्टीप्लाई में एच का स्केयर, एच हमारे पास 10 है तो 10 का स्केयर कितना होगा 100। तो इस तरह से आप वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल हमारे पास क्या आंसर्स बन रही है, ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ रही है 201। आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरी तरह से, जिसकी 105 है और यह डिवीजन में हमारे पास 50 है, यहाँ पे ये टर्म्स भी आपस में 5 से कट हो रही है, ये टर्म्स भी आपस में 5 से कट हो रही है। फिर उसके बाद आप एलसीएम लेंगे और फिर आप कैलकुलेशन करेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन है कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई विद 100 भी करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास 201 आ रही है। नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस डी, एस डी इज अ इक्वल टू इन रूट वेरियंस, तो वेरियंस हमारे पास 201 था, 201 का जब अंडर रूट लेंगे तो वो वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल। इसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं, इन्हीं मेथड्स को हम ट्राई करेंगे। इन 8th क्वेश्चन क्लास इंटरवल इज गिवन, इन 8th क्वेश्चन क्लास इंटरवल हमारे पास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और एफ आई वैल्यूज है हमारे पास 5, 8, 15, 16, 6। तो यहां हम एक्स आई वैल्यू लिखेंगे, एक्स आई वैल्यूज क्या है क्लास मार्क्स, तो ये वैल्यू है 0 और 10 के बीच में वैल्यू आएगी 5, देन 15, 25, 35, 45। देखिए जब हम शॉर्टकट मेथड नहीं लगाते तो क्वेश्चन किस तरह से हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। तो यहां हम कॉलम बनाने जा रहे हैं एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का मतलब एफ आई कॉलम को एक्स आई कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो पहली टर्म को पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 8 × 15 दैट इज 120, फिर उसके बाद हमारी वैल्यूज आ रही है 375, 560, then 270 और इनका जो एडिशन है वो हमारे पास आ रहे हैं 1350। और जब हम एफ आई एक्स आई स्केयर लेते हैं, एफ आई एक्स आई स्केयर मीन्स
इसी कॉलम को जब हम एक्साइड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 25 को अब हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 125, तो 120 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1800, देन 9375, देन 19600, 12150, और इनका एडिशन है हमारे पास 43050। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो एफ आई एक्स आई स्क्वायर वैल्यूज है वो काफी बड़ी हैं और इस तरह से क्वेश्चन को करने के लिए हमें काफी टाइम लगता है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि जब क्वेश्चंस में टर्म्स हमारे पास बड़ी होती हैं, एक्स आई टर्म्स बड़ी हैं, तो हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें। तो इसके बाद हमारा मीन क्या होगा, मीन के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन। तो यहां पर एन हमारे पास कितनी है, दैट इज 50, सभी फ्रीक्वेंसियों का जोड़। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई ये हमारे पास है 1350 डिवाइड में हमारे पास 50 है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी आएगी, 27। तो मीन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 27। तो इस क्वेश्चन में एक वैल्यू हमने और कैलकुलेट करनी है, दैट इज वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज को फिलअप करना है। फर्स्ट वैल्यू हमारी है 43050, डिवीजन में एन वैल्यू इज 50, माइनस में हमारे पास मीन का स्क्वायर है, मीन के लिए हमारे पास चाहे तो हम डायरेक्ट 27 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मीन ही है, या फिर आप लिख सकते हैं 1350/50, तो वैल्यू कट के हमारे पास 27 ही आएगी। तो ये वैल्यूज भी हमारे पास कट हो रही हैं, इसको भी आप कट करेंगे तो ये वैल्यू कट होने के बाद हमारे पास आ रही है 861, और 27 का जो अंडर स्केयर है वो आएगा 729। इन दोनों वैल्यूज को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 132। तो इस तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं जब हमारे पास एक्स आई टर्म्स जो हैं वो बड़ी हैं। तो यहां आपने क्या किया, एफ आई इंटू एक्स आई कॉलम बनाया, एफ आई इंटू एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करके, और एफ आई एक्स आई स्क्वायर के लिए हमने एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई किया एक्स आई वैल्यूज के साथ। तो इस तरह से ये टर्म्स जो है हमारे पास बड़ी हो जाती है, फिर इनका हमने एडिशन दिया। फिर वेरियंस के फॉर्मूले में हमने क्या करना है, जस्ट हमने वैल्यूज को फिलअप ही करना है और डिवाइड किया, देन वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट किया। और मीन के लिए हमने फॉर्मूला हमारा सिंपल है, वही डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं यूजिंग शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 इज डायमीटर्स ऑफ द सर्कल ड्रॉन इन द डिजाइन एज गिवन बिलो, फाइंड सेंटर डिवीजन एंड मीन डायमीटर ऑफ द सर्कल्स। तो 10th क्वेश्चन के अंदर हमारा जो डाटा गिवन है वो आप देखेंगे अभी वो कॉन्टिन्यूस सीरीज में नहीं है। कॉन्टिन्यूस सीरीज तब होती है जब फर्स्ट इंटरवल में की अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट सेम हो। यहां पर हमारी जो लिमिट्स है वो सेम नहीं आ रही, तो इस क्वेश्चन में पहले हम इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो हम फ्रीक्वेंसी बाद में लिख रहे हैं, पहले देखेंगे कि जो कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाने का तरीका क्या है। आप देखेंगे यहां पे वैल्यू क्या है, 36, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 37। तो 36 और 37 के बीच वाली वैल्यू क्या होती है, 36.5। चाहे तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहां वैल्यू 36.5 पर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी। तो यहां आप नोट करेंगे इसमें ऐड हो रहे हैं 0.5 और इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यही रूल अगर हम ऊपर लगाते हैं तो यहां बनेगा 32.5। अदरवाइज हम ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो भी गैप है उसका हम हाफ लेते हैं। तो 1 का गैप है, 1 का हाफ कितना होगा, 0.5। तो 0.5 जो है अपर लिमिट्स में प्लस करते हैं और लोअर लिमिट में माइनस करते हैं। तो
ये वैल्यूज इसके बाद हमारे पास बनेगी 40.5, 40.5, 44.5, 44.5, 48.5, 48.5, 42.5। इस तरह से ये जो हमारी सीरीज है कोऑर्डिनेट सीरीज बन जाती है। अब देखिए इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट सेम हो चुकी है। नाउ द फ्रीक्वेंसी इज गिवन 15, 17, 21, 22 and 25। अब हमारे पास एक्स आई वैल्यूज क्या होंगी। एक्स आई वैल्यूज क्या है, ये अपर लिमिट और सॉरी ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट इनको हम ऐड करेंगे और उसका हाफ करेंगे। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 69। 69 का जब हम हाफ लेंगे तो वैल्यू आएगी 34.5। तो नेक्स्ट वैल्यू भी हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम देखते हैं कि यहाँ पर h यानी कि हाइट बिटवीन द लिमिट्स वो क्या है 4। तो 4 है तो हम 4 ऐड करते जाएंगे तो वो वैल्यूज हमारे पास डायरेक्ट आ जाती है। जस्ट आपने 4 को ऐड करना है। तो इसके बाद हम यूआई मेथड अप्लाई करें। यूआई मेथड कब अप्लाई करते हैं, कि किसी भी एक्स आई वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हम ए मान लेते हैं। यहां पर ए हमने मान लिया 42.5 को। तो इसके सामने यूआई मेथड जो यूआई के लिए वैल्यूज क्या आएगी, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। एच हमारे पास क्या है 4 और ए हमने क्या मान लिया 42.5। तो इस तरह से यूआई हमारे पास कैलकुलेट हो जाते हैं कुछ इस तरह से, -2, -1, 0, 1, 2। तो एक कॉलम बनेगा एफ आई यू आई और एक कॉलम बनेगा एफ आई यू आई स्केल। तो एफ आई इंटू यू आई यानी कि अब ये दो कॉलम जो है इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन। तो 15 × -2 -30, 17 × -1 -17, 21 × 0 0, 22 × 1 22, 25 × 2 50। अब इनका जब हम एडिशन लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी देखते हैं। माइनस के 30 है हमारे पास, माइनस के 17, तो ये वैल्यू हमारे पास ऐड होकर कितनी आएगी, माइनस के 47 जब हम 50 में से करेंगे तो 3 आएगा, 22 + 3 इट विल बी इक्वल टू 25। नाउ एफ आई यू आई स्केल, एफ आई यू आई स्केयर के लिए हम क्या करेंगे, इन दो कॉलम्स की आपस में मल्टीप्लाई। यानी कि -2 को -30 के साथ मल्टीप्लाई किया 60, देन 17, 0, 22 एंड इट इज इक्वल टू 100। तो ये भी हम जब ऐड करेंगे तो ये एडिशन हमारे पास आ रही है 199। तो हमें सिर्फ जो मीन है, मीन के लिए भी हमें ये कॉलम चाहिए और वेरियस के लिए हमें ये दोनों कॉलम चाहिए, साथ में हमें एन वैल्यू। एन वैल्यू क्या है, सिग्मा एफ आई। तो ये वैल्यूज का एडिशन हमारे पास कितना आ रहा है 100। तो इस तरह से हमें ये तीन एडिशन फाइंड आउट हो चुके हैं, ये एन है, ये सिग्मा एफ आई यू आई, ये सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मीन। व्हाट इज मीन, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड में है एन इंटू में एच। तो ए की वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास ए था एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई दैट इज 25 डिवाइड में एन वैल्यू इज 100, ये हमारे पास एन था इंटू में एच। एच की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4। तो ये वैल्यूज हमारे पास कट होकर 42.5 + 1 एंड इट विल बी इक्वल टू 43.5। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेरियंस। तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई यू आई स्केयर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय एन स्केयर इंटू में एच स्केयर। यहां आप सीधा मीन भी लिख सकते हैं, मीन का स्केयर। तो सिग्मा एफ आई यू आई स्केयर दैट इज 199 डिवीजन में है 100 माइनस, और यहां पे सिग्मा एफ आई यू आई वो 25 है
25 अपॉन 100 स्क्वायर इनटू एच स्क्वायर। अब एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, एच की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। इसके बाद हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में देखेंगे हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है 100 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे 4 का स्क्वायर है और यहाँ पे ऑलरेडी एक 4 है, तो 199 इंटू 4 माइनस में हमारे पास आएंगे 25, इंटू में हमारे पास क्या है 16, तो 16 को हम कट कर सकते हैं, इससे 4 आएगा, तो 199 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 796 माइनस 25, डिवीजन में हमारे पास 100 है इंटू 4, तो 771 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, तो इस तरह से ये वैल्यू आएगी 3084 डिवाइड बाय 100, ये आएगा 30.84, तो ये वेरिएंस की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 30.84। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू इन अंडर रूट 30.84, तो जब इसका अंडर रूट आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 5.5 अप्रोक्सीमेट। तो इस तरह से आपने देखा कि जो शॉर्टकट मेथड था वो काफी इजी मेथड है, कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देता है। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।